हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्वेरियास गार्डन में। मैं आज आपको मेरे कोलियस की प्लांट जो कटिंग से लगे हुए हैं वो आपको बता रही हूँ, और जो मेरे कटिंग से लगे हुए हैं उसको मैं अलग करूँगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने कोलियस की कटिंग लगाई हुई है बालू मिट्टी में। हमेशा कोलियस की कटिंग को बालू मिट्टी में ही लगाइए, बहुत जल्द सक्सेस होती है। तो देखिए ये कितना प्यारा कितना सुंदर है। इस कटिंग को मैं आज अलग करूँगी। कोलियस की इस वैरायटी में मैंने ये ही कटिंग लगाई है इस टाइप की। तो चलिए मिट्टी बना लेते हैं। मिट्टी बनाने के लिए मैंने कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी रिवर सैंड यानी बालू मिट्टी। जब आपकी कटिंग सक्सेस हो जाएगी, हम पॉट को जब फिल करेंगे तो हमारी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कोलियस का स्टम में मॉइस्चर होता है। अगर हमारे पॉट में वाटर स्टोर रहेगा तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हमको वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बालू मिट्टी ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स करके हम जिस पॉट में लगाएंगे उस पॉट में जो होल हैं उनको बंद कर देंगे। उसके बाद मिट्टी डाली है मैंने, और जो नीम लीफ है हमारा कंपोस्ट तैयार होने के लिए मैंने डाल दिया है। मैं जब भी पॉट फिल करती हूँ सबसे पहले होल को बंद करने के बाद मिट्टी डालकर, किचन वेस्ट होता है और ऑनियन पील जो लीफ सूखे हुए उनको मैं फिल कर देती हूँ। उसके बाद मिट्टी डालकर प्लांट लगाती हूँ। हमारा पॉट भी फिल हो जाएगा और हमारी कंपोस्ट भी तैयार होती रहेगी। तो इस कटिंग को फ्रेंड्स आज हम अलग करेंगे, देखते हैं इसमें रूट्स बने भी हैं या नहीं। बाकी के कटिंग को हम दूसरे पॉट में लगाएंगे, क्योंकि दूसरी वैरायटी है। दो दो वैरायटी भी लगाने से पॉट बहुत सुंदर लगता है, पर मेरे पास इस टाइप की एक ही कटिंग है, इसीलिए मैं सारी एनर्जी इसी पर लेकर और प्लांट तैयार करना चाहती हूँ। तो दोस्तों देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे रूट्स बने हैं। दो दो प्लांट लगाने से क्या होता है कि पॉट में जितनी मिट्टी है दो प्लांट को जाएगी एनर्जी, इसीलिए आज हम एक ही कटिंग लगाकर हमारे कोलियस के ब्यूटीफुल प्लांट को बिग साइज़ में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस विंटर सीजन में कोलियस की कटिंग बहुत जल्द सक्सेस होती है। आप अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो बालू मिट्टी में लगा सकते हैं जिस तरह मैंने लगाया है। कटिंग कैसे लगाते हैं वो वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कटिंग को शिफ्ट कर दिया है। तो दोस्तों इसको पानी डालने के बाद छाया वाली जगह में दो तीन दिनों तक रखेंगे, उसके बाद हम विंटर वाली सनलाइट में रखेंगे। अगर आप शेडी एरिया में रखकर इसको ग्रो करना चाहते हैं तो वैसे भी ये ग्रो हो जाते हैं, पर इनके लीफ पर थोड़ी सी शाइनिंग कम हो जाती है। तो देखिए कितना सुंदर प्लांट है ये। इस प्लांट को भी मैं बाद में शिफ्ट कर दूँगी, अभी मेरे पास प्लांटर नहीं है। सभी मेरे कोलियस के प्लांट कटिंग से लगे हुए हैं, देखने में कितने सुंदर। इनमें तो फूल नहीं लगते पर इनके लीफ में ही इतनी प्यारी रंगत आपके गार्डन को कलरफुल बना देता है। ओवर वाटरिंग से भी इनके प्लांट ख़राब हो जाते हैं, पानी चेक करके दिया करें। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नई टॉपिक लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।